एकदम लालू जी ने ललकारा है और 2024 में लाल किला हमारा है। तो लाल किला पर कब्जा करेंगे? हाँ, इस बार लाल किला में कब्जा करेंगे और मोदी को, ये सबसे झूठे बोलने वाले मोदी जो प्रधानमंत्री है, महागठबंधन ने ललकारा है और 2024 में हमारा है। घबरा गया थोड़ा ना जी, याद करके आए थे घर से जी, आए थोड़ा सा मिस हो जाता है। मिस हो गया? हाँ जी, हल्का। देखिएगा कहीं 24 में मिस ना हो। सबसे ज्यादा झूठेबाज ये नीतीश कुमार है बिहार में, झूठ बोलते हैं, झूठ का तो अंत नहीं है। भी कंफ्यूजन हो गया, आरजेडी वाला कहते हैं कि बड़ा झूठ मोदी जी बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी, अरे दोनों झूठ बोलते हैं भैया, दोनों। बहुत जुल्म हो चुका है सत्ता के गलियारों से, बहुत जुल्म हो चुका है सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा पूरे बिहार में इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। शुरुआत कब होगा? शुरुआत कब होगा? आज से शुरुआत हो गया है। क्या लोगों के जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? लोगों को कुछ फायदा हुआ ना? आज वही मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आप कहाँ कौन सा बिल में छुपे हुए हैं, किनके गोद में जाके छुप गए आप कि आज आपको 100 से पार चला गया पेट्रोल और डीजल, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप अंधे हो गए हैं। लालू जी का चुंबक काहे फेल हो गया, काहे नहीं सटा रहे हैं? अरे चुंबक हुए तो धोखेबाज है, पर तो उसका कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, उनका नीतीश जी का कोई विश्वास नहीं, कभी इधर आते हैं उसका कुर्सी से, कुर्सी का अलावा उसका कोई किसी से प्रेम नहीं है। जिस तरह हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता लालू यादव जी हैं, उसी तरह आने वाला वक्त में तेजस्वी यादव जी बिहार के गरीबों का गरीबों का मच्छा बनेंगे। आप तो जिस तरह से उलझा रहे हैं, लगता है कि आप भी बीजेपी एक आदमी हैं, उलझाइए मत। तेजस्वी यादव अंदर भाषण देने वाले हैं और बुलाए थे कि लोग सुनेंगे और कुछ समझेंगे और आगे फिर करेंगे। ये कौन कौन सा तेल है जी? ये है डीजल है, ये पेट्रोल है, सरसों तेल नहीं है। हाँ। क्योंकि सरसों का किए, सरसों तेल नहीं मिला मार्केट में, इतना महंगाई है मार्केट में, सरसों तेल नहीं मिला है। हाँ, डीजल पेट्रोल सरसों तेल डबल इंजन की सरकार है, 25 में फेल हो जाएगी। हाँ, विदाई है, डबल इंजन लगा है। अरे डबल इंजन कहा आठ होगा? हाँ। एकदम लालू जी ने ललकारा है और 2024 में लाल किला हमारा है। तो लाल किला पर कब्जा करेंगे? हाँ, इस बार लाल किला में कब्जा करेंगे और मोदी को, ये सबसे झूठे बोलने वाले मोदी जो प्रधानमंत्री है, कहते हैं विकास करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। क्या आत्मनिर्भर भारत यही बनेगा? ऐसे बनेगा गरीब का घर पर बिल्डर चला के गरीबों को मार के? स्वास्थ्य विभाग की कहीं व्यवस्था नहीं है बिहार में। हमारा घर सहरसा जिला है, सहरसा जिला में एक भी अस्पताल में चापाकल नहीं है वहाँ के मरीजों को पीने के लिए। अच्छा। और सहरसा में पूरा शहर नगर परिषद में सरकार की तरफ से एक भी चापाकल पानी के लिए वहाँ की जनता को पीने के लिए नहीं है। अनेक प्रकार की समस्या है और नीतीश कुमार को विदाई कर रहा है, जनता ने मन बना लिया है। कंफ्यूजन है नीतीश का कि मोदी जी का? नीतीश जी और मोदी जी भी। अच्छा, दोनों का? जी, मैंने दोनों इंजन गया जी, दोनों इंजन फेल है, डीजल पेट्रोल सरसों तेल और दोनों सरकार है फेल। महागठबंधन ने ललकारा है और 2024 में हमारा है। घबरा गया थोड़ा ना जी, याद करके आए थे घर से जी, आए थोड़ा सा मिस हो जाता है। मिस हो गया? हाँ जी, हल्का। देखिएगा कहीं 24 में मिस ना हो। नहीं होगा मिस, जनता जा चुकी है, जनता देखिए हाथ में तिरंगा आ चुका है। जिस तरह जी ये हाथ में तिरंगा है ये और जनता आने वाला समय में हर हाथ में तिरंगा रहेगा, कहेगा नीतीश कुमार जी कुर्सी में उतरो, तुम्हारे बिहार चलने वाला नहीं है, अब तुम बुढ़े हो चुके हो, युवा को आने दो कुर्सी पर, बिहार की तकदीर बदल जाएगा। नीतीश जी बूढ़ा हो गए? हाँ, बूढ़ा हो चुके हैं। अरे कुर्सियां तो नया है ना? अरे भैया क्या कहेंगे, नीतीश जी ऐसा झूठा कोई नहीं है,
वे व्यक्ति इस मिट्टी के लिए हमारा भाई बॉर्डर पे जान दे देता है। लेकिन वही नीतीश कुमार बोले थे ये मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के गोद में नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा झूठेबाज ये नीतीश कुमार है बिहार में, झूठ बोलते हैं, झूठ का तो अंत नहीं है। भी कंफ्यूजन हो गया, आरजेडी वाला कहते हैं कि बड़ा झूठ मोदी जी बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी। अरे दोनों झूठ बोलते हैं भैया, दोनों। ज्यादा कौन बोलता है? अच्छा दिल तो आ गया है, ज्यादा कौन बोलता है? अरे ज्यादा, अरे दोनों तो एक ही सिक्का का पहलू है, एक ही सिक्का का लिखावट है। ज्यादा कौन, कम कौन? दो इसी दोनों में, दोनों भैया क्या कहेंगे, दोनों मोदी जी में नीतीश जी में ज्यादा कौन? एक सेकंड, ज्यादा कौन कम कौन? ज्यादा है मोदी जी। अच्छा कम है नीतीश? कम है नीतीश। राज्य है तो राज्य भर का झूठ बोलते हैं जी। हाँ। झूठ बोलने अगर कोई हिंदुस्तान में नेता है तो मोदी जी और नीतीश जी। क्योंकि क्योंकि साथी झूठ बोलने का तो साथी बिगड़ ले चुका हिंदुस्तान में है, तो बिहार में कौन है? अरे हिंदुस्तान बिहार में नीतीश कुमार है और केंद्र में मोदी जी है। क्या कहते हैं आप? आप भी लगते हैं उन्हीं का आदमी है, आप भी लगते हैं मोदी का आदमी है, जिस तरह से बोलते हैं। नीतीश जी को जी ना लगाए? नहीं नीतीश जी तो है ये है, है ये बुढ़ा है, हम लोग का गार्डल के तो है ये है। एक बात बताओ, हाँ। का नाम बताए थे? बैजनाथ भगत। अच्छा बैजनाथ जी एक बात बताइए जी, नीतीश जी अगर झूठे हैं तो अभी इफ्तार पार्टी में हो रहा था कि नीतीश जी लालू जी साथे साथे आ जाएंगे। अरे वे तो अथी हमको निमंत्रण आप दीजिएगा तो हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे। हो रहा था कि इफ्तार पार्टी में आए, चाचा भतीजा गले मिले, ऐसे मिले कि लगता है कि सरकारों मिल ही जाएगा। सरकार तो वो तो लालू जी का परवाह है और तेजस्वी जी का जनादेश, भाई आरोप लगा हमारे पीछे, तेजस्वी जी का जनादेश इतना बड़ा है, उससे घबराहट होके नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम किसी तरह सट जाए। हाँ, नीतीश जी चाह रहे हैं कि सट जाए। अरे उस सटने वाला नहीं, जनता तो जा चुका है। लालू जी का चुंबक कहे फेल हो गया, कहे नहीं सटा रहे हैं? अरे चुंबक हुए तो धोखेबाज है, पर तो उसका कोई विश्वास नहीं है। अच्छा उनका नीतीश जी का कोई विश्वास नहीं, कभी इधर आते हैं उसका कुर्सी से, कुर्सी का अलावा उसका कोई किसी से प्रेम नहीं है। बताइए तब महाराज लेके कैसे, हम तो कहा शुरू में कहे थे कि कुर्सी नया है। अरे कुर्सी नया है, 2020 वाली कुर्सी किसी का बाप का नहीं है। हाँ। कुर्सी जनता का है ये मत। कुर्सी जनता का है। हाँ। कुर्सी नहीं नीतीश का बाप का नहीं है। हाँ। ये जनता जिसको चाहता है उनको बैठाता है, लेकिन क्या करेंगे 2020 में तो पिछले दरवाजे से घुस गए, अभी तक नहीं निकल रहे हैं। अरे निकलेंगे कैसे? अरे सच कहावत में है, कागज के फूलों से सुगंध नहीं दे सकता और बनावट के असूलों से सच्चाई कभी छुप नहीं सकता है। सच्चाई तो नहीं छुपा, सच्चाई छुपेगा कैसे? ये जनता तो जवाब दे रहा है, देखिए आज देखिए कितना। हाँ ए टू जेड है, बैजनाथ भगत मेरा नाम है। ये देखिए कितना जनादेश है, देखिए तेजस्वी जी का, देखिए भवन का अंदर का, दिखा दीजिए भवन का अंदर का। हाँ ठीक है, देखिए कितना जनादेश है। और आ तो उसको लगता होगा क्या, नीतीश बाबू को क्या लगता होगा? अरे लगता है कि अब हमारा कुर्सी जाने वाला है, अरे और तेजस्वी आने वाला है, भीड़ देखकर। लेकिन चुनाव तो होना ही नहीं है। अरे चुनाव कैसे न होगा? अरे पहले वे दोनों में अटली बटी होता है ना? नहीं होता है, अट्टी बट्टी नहीं होता है भैया, दोनों में अट्टी बट्टी नहीं। हाँ अट्टी बट्टी नहीं हो रहा है। अच्छा नीतीश जी को अब साथ आ जाना चाहिए सबक लेके। अरे सबक नीतीश जी को साथ लेंगे तब ना, तो तेजस्वी जी जनादेश बिहार में बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ, अगले नीतीश की जरूरत नहीं है, नीतीश का जरूरत नहीं है तो। अरे गई मास 29 दिना, अगर अभी चुनाव हो तो कहाँ बीजेपी वाला जाएंगे और कहाँ नीतीश जी जाएंगे? चुनाव में तो हुआ था, हुआ ना है। हाँ। जनता तो जवाब दे दिए है ना। हाँ। एमएलसी चुनाव में नहीं हुआ क्या? हाँ। एमएलसी चुनाव में नहीं हुआ है? हाँ। बताइए एमएलसी में तो बीजेपी आगे आ गई है, 7 गो है उसका। अरे छह पर तो हम जीते ना हो, हम जीते ना। नीतीश जी से आगे है? नीतीश जी से आगे नहीं है, आगे नहीं। तो भैया आप बिहार का बात करते हैं ना, तो देखिए बिहार का ना बात करते हैं। जब नीतीश जी से तेजस्वी जी आगे हो गए तो ये तेजस्वी यादव जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। जिस तरह हमारे
आदरणीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता लालू यादव जी हैं। उसी तरह आने वाला वक्त में तेजस्वी यादव जी बिहार के गरीबों का गरीबों का मसीहा बनेंगे। चहेता बनेंगे जी, अभी तक चहेता नहीं है। जी हाँ, बहुत जुल्म हो चुका है सत्ता के गलियारों से, बहुत जुल्म हो चुका है सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा पूरे बिहार में इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। शुरुआत कब होगा? आज से शुरुआत हो गया है। उसी का नमूना है, इसी का नमूना है। क्या करेंगे दोनों ये क्या करेंगे सो ये? अरे गाड़ी में तो अरे गाड़ी तो है ये ना है भैया, देखिए गाड़ी तो है ये। आपको बता रहे हैं, आप तो जिस तरह से उलझा रहे हैं लगता है कि आप भी बीजेपी एक आदमी हैं। उलझाइए मत। नया सुनिए, एक मिनट, नया ये आरोप नहीं लग रहा है, पहली बार आप नहीं लगा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम बीजेपी के ही आदमी हैं, फिर भी मान लीजिए आपसे उल्टा ही सवाल पूछकर आपकी बतिया तो दिखाएंगे ना? दिखाइएगा तब ना, दिखाइएगा तब ना, देखिए। अरे भैया पहले कहता था, जैसे आप बोलते है ना, कोई हटाएगा आपको? हटाने वाला कौन है आप तो? ना, अरे अब हटाने वाला कौन है? 2020 में हटा लिया है। अरे 2020 तो चोर दरवाजे पिछले दरवाजे से घुस गया, तो उसका कोई अति है? चलिए आप तो युवाओं से बात करो। ठीक है, हालांकि आप भी युवा हैं जी, है ना? अरे युवा है ना, तो युवा नहीं है? अब ये लॉजिकल बात पर, हाँ बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप। अच्छा, आपका नाम क्या था? बैजनाथ भगत। हाँ, मेरा नाम प्रदीप मंडल हुआ। कहां और से मैं जमुई जिला के अत्यंत पिछड़ा जगह से हूँ, चकाई बोंगी पंचायत से। हाँ। बोंगी पंचायत। अच्छा, जो कि चकाई जानते हैं? चकाई आप जानते होंगे, शायद आप बोंगी पंचायत नहीं जानते हैं। बोंगी पंचायत एक ऐसा इलाका है जो चारों तरफ जंगल से, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है और नक्सली क्षेत्र इलाका है। आज भी वहाँ का यह स्थिति है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 7 निश्चय काम जो है, जल नल योजना 7 निश्चय में आता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ कागज पे, ओनली फॉर कागज पे ही वो 7 निश्चय का जो जल नल है वो कागज पे ही है। हमारा गांव में आप चलिए जाके देखिए, पानी आपको एक बूंद टोटी में नहीं दिखाई देगा। एक झूठ आप अभी बोल रहे थे ना कि झूठा कौन है, और इसीलिए हम झूठ बता रहे हैं उनका। हम उनका झूठ बता दिए, साथ में योजना। और मोदी जी का हम बताते हैं, मोदी जी झूठा तो है ही, साथ में फेंकता बहुत ज्यादा है, बड़ी दूर तक फेंकता है। उन्होंने देश में कह के आया था कि हमारा जो है डॉलर मजबूत होगा, अच्छे दिन आएंगे। वो तो अच्छे दिन क्या आया वो आप भी देख रहे हैं और हम तो देखिए रहे हैं और ये टांग रखे हैं। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है मोदी जी इसलिए फेंकते हैं, 2013 में जब चुनाव आया, प्रधानमंत्री का जो चुनाव हो रहा था उसमें कहा गया कि हम डॉलर रुपये को मजबूत करेंगे। रुपया आज कहाँ है? पेट्रोल और डीजल सबसे बड़ा मुद्दा था, पेट्रोल डीजल ऐसे कर रहे थे इशारा, पूरा बोतल वो नहीं भर, हमको बोल ऐसे इशारा कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि 5 रुपया कहीं कम हो गया पेट्रोल, तो आके भाषण दिया मोदी जी ने, क्या लोगों के जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा, लोगों को कुछ फायदा हुआ ना? आज वही मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आप कहाँ कौन सा बिल में छुपे हुए हैं, किनके गोद में जाके छुप गए आप कि आज आपको 100 से पार चला गया पेट्रोल और डीजल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप अंधे हो गए हैं। गैस सिलेंडर जो 400 रुपये में मिलता था, आज वही गैस सिलेंडर 1000 के पार मिल रहा है। यहाँ पर जो सम्मेलन बुलाया गया है इसमें ज्यादातर पंचायती राज के जन प्रतिनिधि आए हैं जो महागठबंधन में अपना भरोसा रखते हैं। जी जी बिल्कुल। वो लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? कौन लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब वो लोग जो आए? हाँ ये बताइए, सवाल ये समझ गए। देखिए, आपका कहना है कि आज जो बापू सभागार में महागठबंधन के द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, उनका मुख्य एजेंडा यह है कि लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे हुए हैं और 20 सालों में जो उनकी नाकामियां हैं, तो महागठबंधन उनके अगेंस्ट एक रिपोर्ट कार्ड जो है बिहार के जनमानस के बीच प्रस्तुत कर रहा है।
और जो भी प्रतिनिधि आए या जो कार्यकर्ता आए हैं वो अपने पंचायत में जाकर अपने घर टोले मोहल्ले में जाकर आम लोगों को बताने का काम करेंगे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने किया है क्या, बात किया है उसकी क्या नाकामी रही है। दूसरी बात, जब एक व्यक्ति और एक पार्टी लगातार शासन और सत्ता में बनी रहेगी तो स्वाभाविक होता है कि उसमें तानाशाही और हिटलरशाही आ जाता है, तो उसी का एक तरीके से व्यवस्था बना लिया जाता है। उसी का एक नतीजा है कि अब इस देश में बुलडोजर नाम का एक शब्द और संसदीय अमर्यादित शब्द शुरू हो चुका है। कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलता था। आखिर किसी न किसी इसी देश के लोगों पे बुलडोजर चलता है, ये इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। और महागठबंधन परिवार एकजुट है और मुंहतोड़ जवाब देगी। जो बुलडोजर चल रहा है वो खतरनाक है। अरे बुलडोजर कोई शब्द होता क्या? इस देश में रहने वाले लोगों का भी मान सम्मान स्वाभिमान उनका अधिकार है भाई, इससे ये कौन सा खतरा है? ये कौन सा शब्द है? मैंने ये कहा कि लगातार अगर एक पार्टी और एक व्यक्ति शासन में बनी रहेगी तो उसमें हिटलरशाही और तानाशाही रवैया आती है। उसी का नतीजा है कि आज बिहार की सड़कों पर लोग जो है मारे जा रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। मेरा नाम शंकर सस्य, युवा राजनीतिक नेता, सहरसा कोसी सीमांचल से हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं? नहीं भाई, युवा समाज से भी है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है, शिक्षा दीक्षा? नहीं, बीसीए कर रहा हूँ, बीसीए मेरा हो चुका है, फाइनल हो चुका है। चलिए, अब बीसीए के छात्र रह चुके हैं। बिल्कुल, समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, राजनीति उस श्रेणी से भी आप कुछ लोगों को गाइड करते रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरी मजबूती के साथ, और मुझे बहुत खुशी होती है और गर्व महसूस होता है कि मैं उस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ जिन्होंने सामाजिक न्याय को स्थापित किया है। और सामाजिक न्याय क्या होता है इसको मैं भी जरा कम शब्दों में प्रस्तुत कर दूं कि सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले सभी वर्गों को उनको उचित मान सम्मान के साथ उनको अधिकार दिलाने की बात सामाजिक न्याय होती है। देश और दुनिया में इकलौती पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जिनका विचारधारा सामाजिक न्याय का है। ये हम लोगों के लिए गर्व का बात है। और मुझे लगता है कि साबुन में उलझ कर आ गए। नहीं देखिए, उलझने की बात नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ कि परिवर्तन जो है लोकतंत्र में विकास का सूचक होता है। अब यह बात जनता समझ चुकी है, प्रदेश की भी जनता और देश की भी जनता समझ चुकी है। सही बात है, मोदी जी फेंकते बहुत हैं और नीतीश सरकार पर क्या भरोसा रखे जिन्होंने ये कह दिया कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे और बीजेपी से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे लोगों पर क्या भरोसा किया जा सकता है? और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि नीतीश जी आएंगे हमारे लाल तेजस्वी जी के साथ आकर सरकार बनाएंगे, तो वो तेजस्वी यादव का एक इम्पैक्ट है, पावर है और जनमानस के बीच उसका एक प्रभाव है। लोग उसे अब समर्थन दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। लिहाजा इसी कारण अब नीतीश कुमार अपनी राजनीति को बचाने के लिए तेजस्वी का सहारा ले सकता है। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, इस बिहार वासियों के उगते हुए सूरज और उनके उम्मीदों और आशाओं का किरण है। लिहाजा उनके समर्थन में आज बापू सभागार का जो बापू तेजस्वी यादव, मतलब साफ है आपके बातों का कि तेजस्वी यादव महज अब महागठबंधन का ही बारिश नहीं है बल्कि जदयू के लिए भी बारिश बन चुके हैं कि जदयू की डूबती नैया को अब तेजस्वी के सहारे ही पार लगाना है। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार ही नहीं देश के सबसे यशस्वी कर्मठ जुझारू नेता है और लोगों को भरोसा है उनके ऊपर। उनके अंदर काम करने का एक अलग से आइडियोलॉजी है और लोगों को लग रहा है कि वो कुछ आएंगे तो कुछ नया करेंगे बिहार के लिए। जी ठीक बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं भैया। तेजस्वी यादव को भरोसा है? अरे तेजस्वी यादव पे नहीं भरोसा है तो किन पर भरोसा है भैया? लालू यादव पे, लालू जी पर भरोसा तो है ही है ना। राबड़ी देवी जी पे, राबड़ी तो राजमाता है, तो उन पर भी राजमाता है, उनका हम लोग बच्चे हैं। अच्छा, सबका छोड़िए, तेज प्रताप जी पे? अरे वो युवा नेता आए हैं, वो युवा नेता है। तेजस्वी जी कौन बुढ़वा नेता है? वे भी युवा नेता, उनके छोटे भाई हैं तेज प्रताप के। उनका युवा कौन हुआ? तेज प्रताप ना? तेज प्रताप ज्यादा ज्यादा युवा हो गए। बड़ा है जी, तो उसका बड़ा सम्मान नहीं करेंगे और तनमी नहीं उलझाएंगे। तब कहेंगे कि बीजेपी वाला भेजा है, जितना उलझा थोड़ा थोड़ा जितना उलझाइए। मैं कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी कहते हैं गरीब मुक्त भारत बनाएंगे, गरीब मुक्त भारत बनाएंगे, तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो गरीब को अपना जमीन नहीं है, गरीब मुक्त भारत नहीं बनाएंगे। तो वो कहते हैं कि गरीबी मुक्त, भले गरीब मुक्त हो, अरे गरीब को मार के वो भारत बनाएंगे। मुद्दा यहाँ था, अगर घर तो तोड़ते हैं सरकारी जमीन में, सरकारी जमीन में, सरकारी जमीन में, भैया जिसको अपना घर नहीं है, जमीन सरकारी, अपना जमीन नहीं है तो सरकारी जमीन में नहीं रहेगा। वो हिंदुस्तान छोड़ के चले, हिंदुस्तान का नागरिक है वे कहाँ जाएगा? ये मोदी जी को से पूछते हैं हम, आखिर वे गरीब कहाँ जाएगा जिन पर बुलडोजर चलाते हैं? तो भेटे भी नहीं करते हैं। अरे इसी तरह ना, हाथ में तिरंगा रहे, कोई बात नहीं, ऐसा ही पूछा जाता है, मीडिया में पूछा जाता है। अरे भैया इसी तरह ना पूछे, यही ना उसको कहाँ तक जाएगा, गुज्जू निकालेगा मोदी जी का। अच्छा एक बात बताइए, हाथ में तिरंगा ले लिए हैं,
गर्दनिया पर लालू यादव ले लिए हैं। अरे भैया अयी दुगो लटका लिए हैं। एक बात एक बात कहते हैं भैया, राष्ट्रीय जनता दल का अधिकार इस देश पर नहीं, तिरंगा पर नहीं है क्या? तिरंगा पर नहीं है क्या? ये तिरंगा सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, और हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। इस तिरंगा पर सबका अधिकार है। पहले इस तिरंगा पर अधिकार है तो पार्टी का पर मेरा अधिकार है। पहले लालू जी को मानते हैं ज्यादा कि ज्यादा तेजस्वी जी को? ज्यादा का बात है। अरे वे तो हमारे गार्जियन है। वे तो गार्जियन वो गार्जियन मानते कैसे ना? गार्जियन का मेरा गार्जियन का मेरा वे तो हमारे गार्जियन हैं। हम और मेरे भाई हैं। ये भाई हैं, वो गार्जियन हैं। तो ज्यादा मेल मिलाप किसके साथ है? तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने हुए तो गार्जियन हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप ज्यादा प्यार करिएगा, लालू यादव को भूल जाइएगा। काहे भूलेंगे, वो तो गार्जियन। ज्यादा किसको करते हैं? हम लालू जी को करते हैं। लालू जी को? जी। शादी हो गई है आपकी? शादी नहीं होंगी तो। शादी हो गई है ना जी। हमारी भाभी को कौन करेगा ज्यादा प्यार? अरे भैया भाभियों को प्यार करेंगे। बीच में के जनता का सेवा नहीं करेंगे, गरीब का सेवा नहीं करेंगे। हम काहे पकड़ लिए कि आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं? हम आपको सीना ठोक के कहेंगे कि आप लालू जी को ज्यादा प्यार करते हैं, तेजस्वी को नहीं। जानते हैं कहे लालू जी ने कहा था कि जितना हमारे सिपाही हैं हरियर का मछली लेके चलो, आप लेके आए लोग नहीं। अच्छा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं पहन के आए हैं। हर समय तो रखते हैं ये। हाँ, ये दुगो लटका लिए है, हमेशा विरोध होता है कि अभी लेके आए हैं। ये तो भैया दिखाने के लिए आए हैं नीतीश कुमार को, नीतीश जी को दिखाने के लिए आए हैं राजधानी पटना में। अब आपका झूठ नहीं चलने वाला है। पकड़ लिया, आपका भी झूठ है। हाँ, आपका पकड़ा गया, आपका झूठ नहीं चलने वाला है। देखिए जग चुका है भगत जी। तनी मिनी दिन अगर और आगे झूठवा पकड़ लिए होते तो इफ्तार पार्टी का कार्डो नहीं भेजती आरजेडी। वो तो देखिए। हाँ, देखिए भगत जी कहे थे, भगत सिंह भगत सिंह जी लगा सकते हैं भाई, हमारे वीर सपूत भगत सिंह। जो सर पड़ोसी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना मोदी और नीतीश में है। भगत जी कहे थे? नहीं, हम कहते हैं। अरे वे भगत जी तो हमारे शान है। ये भगत जी बोले? हाँ, भगत जी है। अरे विदाई तो है, अभी तो ये अंग्राई है। 2024 और 25 में नीतीश, हाँ दोनों का विदाई है। दोनों इंजन देखिएगा, दोनों इंजन फेल। डीजल पेट्रोल सरसों तेल मोदी नीतीश दोनों है फेल। यहाँ आप लोग भी समझ ही रहे होंगे भगत जी का खेल। चलिए, इस खबर में इतना ही रहने दीजिए। आगे फिर होगी मुलाकात नए चौराहों पर नए लोगों के साथ। नमस्कार।